देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती सूची में गड़बड़ी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार यूजीसी के नियमों को ताक पर रखकर 21 साल की उम्र में ही प्रोफेसर बना दिए गए हैं। हालांकि कुलपति ने इस मामले में सफाई देते हुए बताया कि ऐसी कोई नियुक्तियां अभी तक नहीं हुई है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की तरह देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसरों से प्रोफेसर बनाने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यह सूची दिखाई दे रही है। इस मामले में प्रबंधन वर्ग सवालों के घेरे में है। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार 31 वर्ष से पहले कोई प्रोफेसर नहीं बनता, लेकिन प्रोफेसर संजय गंगरोड़ को महज 21 साल, मुकेश जैन को 22, जेके गुप्ता को 23 और आरआर कन्हेरे को 24 की उम्र से ही प्रोफेसर मान लिया गया। ऐसे ही सरकारी कॉलेजों में रीडर की पोस्ट ही नहीं होती, फिर भी यूनिवर्सिटी ने 34 नाम रीडर की सूची में डाल दिए। इनमें डॉक्टर अनुपम वर्मा धार, डॉक्टर विमला गोयल, डॉक्टर पंकज आचार्य, डॉक्टर पुष्पा द्विवेकर जैसे नाम शामिल है। सर, शासन विश्वविद्यालय द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गई है। जी, धार, बड़वानी और खरगोन कॉलेज सरकारी कॉलेज हैं और सरकार उसके बारे में जानती है। आप अतिरिक्त संचालक से पूछ सकते हैं। और सर, ये जो रीडर्स की नियुक्ति हुई है 24, रीडर्स नई नियुक्ति, हमने कोई नियुक्ति नहीं की है, किसी तरह की नियुक्ति हमारे द्वारा नहीं की गई है। सर, फिर 24 पद जो जिनकी वैकेंसी नहीं, वैकेंसी हमारे यहाँ से निकाली नहीं गई है। हाँ जी, वेबसाइट की वेबसाइट पर कोई जानकारी अलग तरह की होगी जिसको आपने गलत कन्फ्यूजन कर लिया। हम कोई नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, अभी कोई नियुक्ति का एडवर्टाइजमेंट भी नहीं निकला हमारा, मतलब अभी हाल फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं। हाँ, कोई नियुक्ति नहीं। मामला सामने आने पर कुलपति नरेंद्र धाकड़ ने कहा कि अभी तक यूनिवर्सिटी ने ऐसी कोई नियुक्तियां नहीं की है।